गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कंडेंसेशन को समझते हैं। तो कंडेंसेशन क्या हुआ है? जब आपके दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो कंबाइन करते हैं और वो इस कंबाइन करने के साथ साथ वो छोटे मॉलिक्यूल जैसे H2O, अमोनिया, HCl, अल्कोहल जैसे छोटे मॉलिक्यूल को बाहर रिलीज करते हैं। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती हैं उन्हें कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन टू और मोर सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर विद लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O, अमोनिया, HCl, अल्कोहल एक्स्ट्रा आर सेड टू बी कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है? जब दो एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, वो बेस की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं और वो क्या करते हैं, एल्डोल्स या कीटोल्स बनाते हैं। इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। व्हेन टू एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH, BaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस एक्स्ट्रा ऑन कंडेंसेशन दे प्रोड्यूस एल्डोल और कीटोल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने पुटअप कर रखा है। मैंने एक एल्डिहाइड ले रखा है। एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है CH3, C डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया है मेरे पास एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल। और ये एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मेरा अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक ये मॉलिक्यूल हो गया और सेम मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन में सेम मॉलिक्यूल मैंने ये लिया। इसी के साथ मैंने दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लिया, दूसरा सेम मॉलिक्यूल लिया मैंने CH3CHO ले लिया और डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जब हमने इसकी रिएक्शन की तो इसने क्या किया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटो एल्डिहाइड बनाया जिसको हम एल्डोल कहते हैं। इस एल्डोल को जब हम हीट अप करते हैं तो ये अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनाता है और वाटर को रिलीज करता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एस्टेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल को ने जब डाइल्यूट NaOH के साथ की प्रेजेंस में कंडेंसेशन किया तो उन्होंने एल्डोल बनाया, वो एल्डोल कैसे बना। तो इसके लिए हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। तो जो स्टेप नंबर वन होता है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, बेसिकली जो आपका अल्फा हाइड्रोजन जो हम रिक्वायरमेंट है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, तो आपका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है तो मतलब एसिडिक होता है तो वो इजीली बाहर जा सकता है। तो जब बेस जो जिस बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करें जैसे NaOH है, कोई भी बेस हो गया, बेस क्या करेगा उस हाइड्रोजन को बाहर खींच ले लेगा या फिर आप ये कह सकते हैं कि डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। यहाँ से बेस इस हाइड्रोजन को बाहर ले लेगा और हम जब ये बाहर ले लेगा तो मेरा इनोलेट आयन आ जाएगा। अब पहले क्या था, CH3CHO था, अब एक हाइड्रोजन चले गया तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है और C डबल बॉन्ड O, तो ये टिटोमेरिन शो करने के बाद ये CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और H, एक कीटो फॉर्म हो गया मेरा, एक इनोलिक फॉर्म। ये ऊपर वाली कीटो फॉर्म होगी, नीचे वाली इनोलिक फॉर्म होगी। मुझे कीटो फॉर्म से मतलब है क्योंकि कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होती है। अब मेरी जो कीटो फॉर्म है ये इनोलेट आयन है, ये इनोलेट आयन क्या करता है, न्यूक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। अब देखिए इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इस कार्बन एज ए न्यूक्लोफाइल की तरह काम कर सकता है ये। अगर आप दूसरे ये क्या करता है कि न्यूक्लोफिलिक एडिशन होता है तो इनोलेट आयन जो बना है वो एल्डिहाइड के न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे क्या करता है, अटैक करता है, न्यूक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और इंटरमीडिएट बनता है। अब ये मेरा जो नेगेटिव इनोलेट आयन का जो कार्बन है जो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब जो न्यूक्लोफाइल है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो कार्बन है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उस पर अटैक करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, भाई देखेंगे कार्बोनाइल का ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस कार्बन की कंपैरिजन में, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इनोलेट आयन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अटैक करेगा और पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो वो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करेगा। ये इंटरमीडिएट बन गया है आपका।
अब अगले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट होता है वो वाटर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, प्रोटॉन को खींचता है और एल्डोल में बदल जाता है। तो जैसे यहाँ पे हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया है, ये इस वाटर के प्रोटॉन को खींच देगा तो ये फिर किस में बदल जाएगा, ये ओ नेगेटिव जो था वो OH में बदल जाएगा। इस तरीके से हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया है, जिसी को हम क्या कह रहे हैं, एल्डोल कह रहे हैं। अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, और बीटा पे क्या है, OH है, तो इसको क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसको क्या कहते हैं, एल्डोल। अगर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता तो उसको क्या कहते हैं, उसको कीटोल कहते हैं। और अगर मैं इसको गर्म करूँगा तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और मेरी अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मेरे प्रोड्यूस होंगे। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।